लोग पहुंचे हैं वेरावल अहमदाबाद से। वेरावल जो है वो सबसे लास्ट स्टॉप है। अहमदाबाद से ट्रेन बनी थी, सोमनाथ एक्सप्रेस से हम लोग ट्रैवल किए हैं और अभी हम लोग पहुंचे हैं वेरावल स्टेशन पर। और यहाँ से जो है सोमनाथ मंदिर जाएंगे, देन वहाँ से हम लोग जाएंगे दीव के लिए। तो दीव के लिए हमें 3 घंटे की ट्रैवलिंग करनी होगी बाय रोड, और बाय रोड ट्रैवल करके हम पहुँचेंगे दीव पे। तो अभी हमारे साथ में एक किस्सा भी हो गया है जो कि आपसे शेयर करना बनता है। तो हम लोग ट्रेन को जल्दी से जल्द पहुँचना चाहते थे, तो इस चक्कर में जो है हम लोग हमारी एक सूटकेस जो है वो घर पर ही भूल गए, जिसमें कि हमें दीव में पहनने वाले कपड़े थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग शॉपिंग कर लेंगे। तो वो एक किस्सा था जो हमारे साथ में जो हादसा है वो हो गया है। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग वहाँ पर पहुँचे और खूब मज़े करें और सोमनाथ मंदिर जाएंगे। वहाँ के भी वहाँ पर भी हम लोग ब्लॉग करेंगे और वहाँ की रियल इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो वो आपके साथ में बने रहेंगे। हम लोग अभी दीव के रास्ते पे है और यहाँ पर एक होटल है, होटल जलाराम। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खाना हमने खाया है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हॉट लिए थे क्योंकि हम लोगों ने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, तो यहाँ पर खाना किया। ये हाईवे रोड है और हाईवे को लगकर ये इस तरह का जो है वो सुंदर सा होटल है और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। होटलिंग बहुत अच्छी है, हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया है और साथ ही साथ हमारे पूरे टीम मेंबर्स, और खाना कैसा था ये हम सब उन्हीं से पूछते हैं कि खाना किस तरह से रहा, अच्छा था या नहीं था। तो आइए बात करते हैं हमसे। जेवन कैसा होता? तो बढ़िया खाना था, सभी को अच्छा पसंद आया है। तो हम लोग अभी इंद्रूम है, खाना खाकर रिफ्रेश हो गए, सब ने इन्जॉय किया है। और ख़ास करके खाने के बाद में छाछ भी सबने पिया है और अभी भी पी रहे हैं। वो बॉटल किंगफिशर की है लेकिन उसमें छाछ है। तो अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले दीव के लिए। तो दीव के लिए अभी हम लोग रूट है, अभी हम लोग चलते हैं हमारे गाड़ी पर। और ये भाई साहब है जिन लोगों ने हमारी काफ़ी सेवा की यहाँ पर, ये भाई साहब है और बाहर भी है। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आप भी आइए, इस रूट से कभी भी गुजरते हैं तो इस होटल पे जरूर 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 विज़िट कीजिए। तो मिलते हैं इन रूट। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं त्रिवेणी संगम, ऐसा ये कहते हैं यहाँ पर। और इस जगह का नाम त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम होता है और अच्छा प्लेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे कबूतर या फिर डक यहाँ पर बहुत सारे हैं। और गिर जाएगा ये गिर जाए। अच्छा, आप इधर देखो, इस तरह का पूरा सीन है यहाँ पर, इस तरह से फोटोग्राफी की जाती है। ये डक हाथ में जो है वो पक्षी हाथ में आकर खाते हैं और फिर उसका जो है फोटो क्लिक किया जाता है। तो बहुत बढ़िया लगता है और काफ़ी अच्छा क्लाइमेट यहाँ पर है, बहुत बढ़िया। और गिरीश एंड फैमिली मजे करते हुए। और यहाँ पर और भी लोग हैं, ये है अड़िकनी फैमिली। कियारा बड़ी मम्मी को छोड़ नहीं रही है और उसकी मम्मी बड़ी मम्मी परेशान होती है।
पूरा गिन गिन के बदले ले रहे हो इतने दिन नहीं थी तो। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सोमनाथ मंदिर की तरफ, वहाँ पर भी हम लोग सोमनाथ मंदिर जो जहाँ पर मोहम्मद गजनी ने जो है वहाँ पर 16 बार जो है सोना पूरा था हमला कर कर, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के बारे में भी आपको बताऊंगा। मिलते हैं सोमनाथ मंदिर के जगह पर, स्पॉट पर। हम लोग आ चुके हैं सोमनाथ मंदिर जहाँ पर है उस प्लेस पर, सोमनाथ मंदिर प्लेस पे आ चुके हैं। सोमनाथ मंदिर प्लेस पे आ चुके हैं हम लोग और अभी अंदर जाने वाले हैं। आप लोग जो ये देख रहे हो ये है सोमनाथ टेम्पल, जो कि वेरावल से होकर आपको जो है 3.5 किलोमीटर आगे आना पड़ता है, तब आपको ये वेरावल से आगे आने के बाद में आपको ये सोमनाथ टेम्पल लगता है। और ये सोमनाथ टेम्पल में काफ़ी भीड़ होती है और यहाँ की विशेषता ये है कि आपने अगर हिस्ट्री देखी होगी तो हिस्ट्री में कहा जाता है कि हिस्ट्री के मोहम्मद गजनबी ने यहाँ पर आक्रमण किए हैं और कई बार आक्रमण किया, मतलब 16 बार आक्रमण किया है। और यहाँ पर जो है प्रसिद्ध सोना यहाँ पर रहता था और सोने को लूटने का काम गजनबी ने 16 बार यहाँ पर किया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना यहाँ पर सोना जो है यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था। और यहाँ पर जो मंदिर जो है वो किस समाज के हाथ में है, और ऐसे समाज के हाथ में इसका पूरा व्यवस्थापन रहता है। तो ये व्यवस्थापन होने के बाद में यहाँ पर कितना पैसे का व्यवहार होता है, तो गजनबी जैसे तानाशाह ने भी यहाँ पर जो है 16 बार आक्रमण करके इसे लूटने का प्रयास किया है और 16 बार उसने इतना सोना बरामद किया है। तो सोच सकते हो ये सिर्फ एक सोमनाथ मंदिर है जहाँ पर इतना सोना उसने लूटा था। और इस प्रकार के ऐसे बड़े बड़े देश में कई मंदिर है जहाँ पर बहुत सारा संपत्ति है, सोना है, चांदी है, पैसे के स्वरूप में भी वहाँ पर बहुत सारा चंदा इकट्ठा होता है और उसका सर्वे सर्वा जो है एक सवर्ण समाज है और सवर्ण समाज के हाथों में इसकी सत्ता है। तो जिस तरह से वो इस संपत्ति पर अपना हक जताते हैं और इसी के ऊपर वो नियंत्रण की भूमिका निभाते हैं सारे सर्व समाज के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक सोमनाथ मंदिर है जहाँ पर इस तरह का गजनबी ने 16 बार आक्रमण करके इसे लूटा था। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, पुरावा है, जिसे हम कहते हैं कि जिससे हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लूट फरोश हुई है, कितनी समाज के द्वारा लूट फरोश हुई है और विशेष वर्ग के द्वारा लूट फरोश हुई है। तो आप देख सकते हैं यह है सोमनाथ मंदिर, यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। बताया जाता है कि सोमनाथ मंदिर में पहला ज्योतिर्लिंग है, यानी कि बहुत फेमस है, यहाँ पर बहुत चढ़ावा भी आता है। तो इस तरह से यह पूरा इतिहास यहाँ का रहा है, ये बहुजन दृष्टिकोण से आपको बताने की मैंने कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जानकारी बाकी अपने दोस्तों तक भी पहुँचती रहे।